ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वागत है आपके फोन कॉल्स का भी, आपकी राय का भी, आपके विचारों का भी। आखिर जो देश में वार पलटवार की सियासत हो रही है भ्रष्टाचार के मसले पर, उस पर आप लोगों का क्या कहना है, आपके विचारों का स्वागत है। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे नेशनल हेराल्ड का जो नासूर बनता हुआ नजर आ रहा है, गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए। अब बात करते हैं राफेल डील की, जो नासूर बनता जा रहा है और गले की फांस बनता जा रहा है सत्ताधारी बीजेपी के लिए। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सौदा, जो एक विमान का सौदा 526 करोड़ रुपए में होना था, वो 300% बढ़कर 1670 करोड़ रुपए पहुंच गया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस राफेल सौदे को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला बताते हुए इसमें पूंजीपतियों के साथ, पूंजीवादियों के साथ सत्ता की गठजोड़ की आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार देश भर में और यहां तक कि विदेश में भी घूम घूम कर राफेल सौदे का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रति राफेल विमान की कीमत किस तरह से 526 करोड़ रुपए से बढ़कर 1670 करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर दोनों के पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार था, दोनों के पास रक्षा मंत्रालय रहा है, ये दोनों ही राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों से बच निकले हैं और निर्मला सीतारमण जो कि मौजूदा रक्षा मंत्री हैं उनको राजनीतिक रूप से नौसिखिया होने की वजह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हम कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा ने बोफोर्स सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बावजूद इस मामले में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया था। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं और राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ये बहस छिड़ रही है कि क्या ये जो राफेल डील है ये बीजेपी के लिए बोफोर्स साबित होगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा हाथ लगा था विपक्ष के और यहाँ तक कि पार्टी के भीतर के नेताओं के ही, जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी देश में, इस मसले को लेकर बार बार सवाल उठाए गए थे। पहले बोफोर्स के ऊपर, कई साल पहले बोफोर्स के ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन आज राफेल डील पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा हमलावर कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस डील में न सिर्फ करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, बल्कि अपने चहेते पूंजीपतियों को भी सरकार ने फायदा पहुंचाया है। राहुल गांधी ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर आपको और भी कई बयान सुनवाते हैं। राफेल बड़ा क्लियर कट केस है। अनिल अंबानी जी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए कर्ज में है। अनिल अंबानी जी ने कंपनी कुछ ही दिन पहले खोली, राफेल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ही दिन पहले खोली। दूसरी तरफ एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, कोई कर्जा नहीं है, हजारों इंजीनियर हैं जो काम करना चाहते हैं। छोटा सा सवाल है, जो हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा, किसको फायदा पहुंचाने के लिए खरीदा? अब अरुण जेटली जी उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे, पूछ सकते हैं, मगर इन तीन सवालों के जवाब तो दीजिए, क्लियर कट है। और जेपी से लाइए, पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मानसून सत्र था संसद का, उसमें भी ये मसला उठाया गया, खुद राहुल गांधी ने ये मसला उठाया और वहाँ पर भी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, जवाब दिया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने ये कहा कि जो ये रेट की बात चल रही है इसका खुलासा सरकार ने किया ही नहीं है, और जो फ्रांस सरकार के साथ डील हुई है उसमें ये क्लॉज है कि सरकार रेट का खुलासा नहीं कर सकती।
अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये क्लोज है या नहीं है, दोनों का क्या कहना है वो आपको बताएंगे। लेकिन निर्मला सीतारमण ने संसद में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। मैडम स्पीकर, यू हैव कॉल्ड मी, मैडम स्पीकर, यू हैव कॉल्ड मी एंड आई हैव बीन रेफर्ड टू इट, माय नेम हैज बीन टेकन हियर एंड आई एम रेफरिंग। When the question was asked, the French president, if commercial details about Rafael could be revealed, the French president in that interview to an Indian media house has said, and this is what I've been very clearly taking from the inputs that I've received from my people, is you have these commercial agreements. This can be double checked with the media. You have these commercial agreements, and obviously, this is the French member's president's words. You have these commercial agreements, and obviously, you have competitors. Obviously, you have competitors, and we can't let them know details of the deal. This is what the French president has said to an Indian media house, and what he said to the honorable member is immaterial here. There is no record, no proof, and he's just thrown it at me. Absolutely wrong. जी हाँ, जो आरोप ये लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक तो जो विमान का रेट था, जो डील हो रही थी यूपीए सरकार के दौरान, और जो डील हुई है बीजेपी एनडीए सरकार के दौरान, उसमें बहुत फर्क है, 300% तक की बढ़ोतरी हो गई है रेट में। दूसरा आरोप यहां पर यह है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लोज था वो खत्म कर दिया गया है। न सिर्फ विमान भारत में आने थे बल्कि तकनीक का भी हस्तांतरण होना था, भारत की तरफ से ज्यादा निर्माण किया जाना था, यह भी खत्म हो गया है। HAL को, जिसकी महारत हासिल है, जो देश में विमान बनाने का ही काम करती है, जो कंपनी जो विवादों में नहीं है, किसी तरीके का कर्ज उसके ऊपर नहीं है, किसी तरीके के सवाल उसके ऊपर नहीं है, उसको ठेका दिया जाना था, कॉन्ट्रैक्ट होना था उसके साथ कि वो उस तकनीक जो हस्तांतरित होगी उस तकनीक के जरिए भारत में ही विमान निर्माण करेगी। लेकिन उसकी बजाय अनिल अंबानी की रिलायंस की कंपनी को ये ठेका दे दिया गया। सवाल यहां पर यह है कि HAL की बजाय अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका क्यों दिया गया, जबकि डील होने से चंद दिन पहले ही उनकी कंपनी बनी। सवाल यहां पर यह भी है कि 300% की बढ़ोतरी क्यों हो गई, और जो तकनीक का हस्तांतरण होना था उसका क्या हुआ। इन तीन सवालों को लेकर घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब यह दिया जा रहा है कि कीमतों का खुलासा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्रांस की सरकार है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें क्लोज है, जिसके आधार पर कीमतों का खुलासा किया ही नहीं जा सकता। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि कीमत उस डील का, कीमतों का खुलासा करना है या नहीं करना है उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं है, तकनीक का हो सकता है कि तकनीक का हम खुलासा नहीं कर सकते। दूसरी दलील सरकार की तरफ से ये दी गई है कि बहुत ही जो बेसिक विमान होता है उसकी कीमत कांग्रेस बता रही है, लेकिन उसको रीलोड करना पड़ता है, बहुत सारे वेपन्स उसमें लोड करने पड़ते हैं, बहुत सारी और चीज़ें औजार उसके साथ जोड़ने पड़ते हैं, उनके रेट को जोड़ने के बाद इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कीमतों का खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह जरूर दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार के दौरान डील हुई थी उससे भी सस्ते रेट पर इस सरकार के दौरान डील हुई है। अब रही बात अनिल अंबानी की कंपनी को, रिलायंस को जहाज बनाने का ठेका देने की बात, तो उसके बारे में सरकार का यह कहना है कि कंपनी का और वहां की कंपनी या सरकार की सीधी डील हुई है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
ये दोनों ही पक्ष हैं और दोनों पक्षों के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो विचार हम लोग आमंत्रित करना चाह रहे हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।